धन्यवाद सर। मैं रुशाली जी और मुस्कान जी से सरस्वती वंदना के लिए अनुरोध करता हूं। Thank you.
धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय खाद्य मंत्री महोदय, ये आपकी सोच और विजन है कि आज हम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम 37 लाख नवीन हितग्राहियों को एक साथ राशन का वितरण कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान में हम 5,44,00,000 लोगों तक, 1,17,00,000 परिवारों तक हर महीने पहुंचते हैं और इन्हीं में आज हम 37 लाख नए लोगों को, लगभग 12 लाख नए परिवारों को जोड़ रहे हैं। हम खाद्य विभाग हर माह लगभग 29,70,000 क्विंटल अनाज, 1,16,000 क्विंटल नमक, 16,400 क्विंटल शक्कर और 18,352 किलो लीटर केरोसिन 25,000 से अधिक राशन की दुकानों तक पहुंचाते हैं। कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हम लोगों ने अप्रैल माह से, और ये हम नवंबर माह तक जारी रखेंगे माननीय महोदय, 27 लाख क्विंटल अनाज, इसके अतिरिक्त 1,17,000 क्विंटल दाल प्रति माह हम अपनी राशन दुकानों तक पहुंचा रहे हैं। कोविड के समय में हम लोगों ने 1,09,000 परिवार जो वापस अपने मध्य प्रदेश लौटे थे देश के विभिन्न भागों से, उनको अनाज पहुंचाया। हमारी 25,176 दुकानें हैं जिसमें से करीब 20,000 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं, 4,000 से अधिक दुकानें हमारी शहरी क्षेत्रों में हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये केवल यहां नहीं हो रहा है, ये हर जिला मुख्यालय पर हो रहा है। ये 25,917 हमारी ग्राम पंचायतें राशन की दुकानों में ग्रामीण क्षेत्र में, और करीब 3,368 शहरी क्षेत्र के वार्ड्स और उनकी राशन की दुकानों में हो रहा है। इस कार्यक्रम को लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने पहले से रजिस्टर करके डायरेक्टली ऑनलाइन भी वो देख रहे हैं इस समय। इसके अलावा सर, ये विभाग, इसके साथ साथ कोऑपरेटिव विभाग, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हम्माल, हम सब मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं। अभी आपके कुशल नेतृत्व में हमने रबी में 129,00,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जो कि इस देश में रिकॉर्ड है। सर, ये सब आपके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में संभव हो पाया है और ये विभाग हमेशा प्रयास करेगा कि जो शासन की मंशा है उस पर पूरी तरह से हम खरे उतरे। मैं खाद्य मंत्री माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के गरीब, मजदूर, किसान, सभी वर्गों के हितैषी परम सम्मानी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय किदवई साहब, कमिश्नर आदरणीय कियावत जी, एडीजीपी आदरणीय जैन साहब, यहां पे उपस्थित सभी आदरणीय अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, और हमारे सभी जिनको आज से राशन मिलेगा, सभी मेरे हितग्राही साथियों, भाई और बहनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना रहा है कि प्रदेश में रहने वाले कोई भी गरीब भूखा न रहे, यह इनका सपना रहा और इनका नारा भी रहा कि गरीब की थाली कभी न रहे खाली, और इसी उद्देश्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमें निर्देश दिए। ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15 अगस्त को उन्होंने साफ साफ कहा था हमारे विभाग को कि सितंबर माह में सब गरीबों को राशन मिल जाना चाहिए, सबकी पर्ची बन जाना चाहिए। हमने हमारा विभाग लगातार जिला स्तर पर कलेक्टरों से संवाद करके उनसे अनुरोध किया कि पंचायत स्तर पर कोई भी गरीब सबका सर्वे किया जाए, जिला प्रशासन ने सहयोग किया और नगर निगम नगर पालिकाओं में हमने वहां के कमिश्नरों से भी अनुरोध किया कि आप भी अपना पूरा सर्वे करिए, और किसी भी हालत में सितंबर माह में 37 लाख लोगों को भोजन मिले और उसका आप कड़ाई से पालन करिए। मैं जानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ गरीबों की चिंता कर रहे थे कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा न रहे, और आप सबको मालूम है पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबों की चिंता न करके अल्फा अवार्ड का आयोजन कर रहे थे, सबको मालूम है, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों की चिंता कर रहे थे और एक तरफ लोग मनोरंजन के लिए अल्फावाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। तो सोच की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज उनको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश में 5,44,00,000 लोग, जो 75% टोटल जनसंख्या का होता है, हमारे विभाग द्वारा 75% लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, बाकी 37 लाख लोग जो बचे थे उनको भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हमें कि आप किसी भी हालत में इन लोगों को भी राशन उपलब्ध कराइए, क्योंकि वो पात्र हैं, पर्ची उनकी नहीं बन पाई। युद्ध स्तर पर हमारे विभाग ने काम किया और आज मुझे उन्हें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 37 लाख जो गरीब, जो पात्र थे जिन्हें पर्ची नहीं मिला था, उसका कार्य आज विभाग ने पूरा कर लिया है, और आज आपके मार्गदर्शन पर यहां से आप ऐतिहासिक कार्यक्रम अन्न उत्सव, गरीबों को अन्न मिलेगा तो उत्सव तो होगा ही जो भूखा रहता है, इसलिए अन्न उत्सव का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज यहां किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नगर निगमों के वार्डों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं आज से, आपके जिला पंचायत, जिलों में भी जिला स्तर पर ये कार्यक्रम आज संचालित हो रहे हैं, गरीबों को आज से राशन मिलना चालू हो जाएगा। पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, हर स्तर पर हमने सर्वे कराया और हर स्तर पर आज ये राशन वितरण का काम शुभारंभ हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर, मार्गदर्शन पर। आज ऐतिहासिक दिन है, हमारे प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में ये विभाग लगातार
कार्य कर रही है और ये विभाग का काम है गरीबों को भोजन मिलना, सबको खाना देना, इस ओर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि तीन चार दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे तो उनकी सोच को मैंने देखा, बोले बिसाऊलाल जी बाकी जगह तो आप हम बालों को नाइयों को जितने हैं सबको राशन दे रहे हो, हमारे भोपाल और बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनको क्या राशन नहीं दोगे। मैंने उनकी बात को गंभीरता से सुना और मैंने विभाग को निर्देश दिया कि आज के बाद से, जो आज मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, आज के बाद से प्रदेश में 1,26,000 जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, जिनका लाइसेंस है, हमने निर्णय लिया है कि ऑटो रिक्शा वालों को भी अब राशन की पात्रता होगी। तो इस तरह से 37 लाख तो हमारे लोग और ऑटो रिक्शा वाले 1,26,000 लोग, अब ऑटो रिक्शा वाले भी भूखा नहीं रहेंगे। तो ये सोच की बात है। आज मैं अपने विभाग की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जहां तक किदवई जी की बात, किदवई जी स्वतंत्रता के पहले जब केंद्र सरकार में फूड मंत्री रहे, मुझे जानकारी है कि रफी किदवई जी के परिवार से आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस विभाग को आगे लाने में हमेशा हमारा सहयोग करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश का पालन करें, ताकि प्रदेश के कोई भी व्यक्ति गरीबी न रह सके, गरीब न रह सके, बिना भोजन की न रह सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है और आज मुझे प्रसन्नता है कि आपके निर्देश का विभाग ने 100% पालन किया। आगे जो जो भी आपका निर्देश होगा, हमारा विभाग आपके मार्गदर्शन में, आपके कुशल नेतृत्व में काम करता रहेगा। आज आप प्रदेश के जनता के लिए जो यहां से राशन वितरण का कार्य संचालित कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और इस अवसर पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं विभाग की ओर से और प्रदेश के सभी गरीब भाई बहनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खाद्य मंत्री महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, आज सर हमने 4 हितग्राहियों को जो कि छतरपुर, मुरैना, उज्जैन और इंदौर जिले के हैं, उनसे आप जो आज हमें हमारे इस 37 लाख नवीन हितग्राहियों में जुड़ रहे हैं, उनसे एक सीधे संवाद करने के लिए आपसे अनुरोध करूंगा। सर्वप्रथम सर मैं अनुरोध करूंगा, छतरपुर से बड़ा मलेरा छतरपुर से हमारे साथ श्रीमती कस्तूरी बाई सेन जी हैं। कस्तूरी बहन जुड़ी हो, मुझे देख पा रही हो? सर मेरी आवाज सुन रही कस्तूरी जी? जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसी हो आप? आप सही हैं सर। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं कहते, घर की रोटी पानी, तबीयत खराब रहा सो कुछ नहीं कहते। अच्छा, घर में ही काम करती हैं, रोटी बनाना, रोटी पानी की। हाँ, घर में और कौन कौन है आपके? बच्चा है छोटे छोटे, 5 भैया। अभी क्या करते हैं वो? अब कुछ नहीं कहते, ऐसी मेहनत मजूरी कहते। अच्छा, आज आपको बताया आपको राशन, अभी तक राशन नहीं मिलता था? राशन आज मिल गया। आज तो मिल गया, इसके पहले नहीं मिलता था? हाँ, पहले नहीं मिला था। अच्छा, आज आप कैसा महसूस कर रही, कैसा लग रहा है आपको राशन मिल रहा है? आज अच्छा लग रहा साहब, आपने कृपा कर ली। अच्छा, आपको ये पता है कि ये कितना मिलेगा हर महीने? 30 किलो। 30 किलो मतलब? 30 किलो। क्या 6 लोग हैं आपके परिवार में?
छह लोग हैं सात, तो छह पंजे तीस, तीस किलो मिलेगा हर महीने। हाँ सर। और राशन के अलावा और क्या मिलेगा? पेंशन मिला था बस 600 रुपए। पेंशन नहीं, एक किलो नमक भी मिलेगा, पेंशन तो अलग से मिलती है। पेंशन मिलती है आपको? हाँ हाँ मिलती है सर। अच्छा, और क्या और क्या सुविधा मिलती है? और कोई सुविधा मिलती है सरकार से? और कोई सुविधा मिलती है पेंशन? और जो आप चाहो सर सो है। अच्छा कितनी भोली बहन है हमारी। अच्छा मैं एक जानकारी और दे रहा हूँ आपको, ये 30 किलो तो मिलेगा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, और सितंबर के महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति और मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की है कोविड काल में उसका भी। अब आप खुश हो? खुश हो आप? खुश है सर। हाँ खुश है सर। ठीक है, बस आप खुश रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के हमको लगता है जैसे अपनी जिंदगी सफल हो गई है। नमस्ते। धन्यवाद सर। सर हमारे साथ दूसरी बहन जो जुड़ रही हैं वो श्रीमती जुल्लो खान हैं, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, बानमोर जिला मुरैना की हैं। श्रीमती जुल्लो खान जी। जुल्लो बहन नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर। घर में और कौन कौन है? बच्चे लोग हैं। कितने बच्चे? कितने बच्चे? बब्बू को है, चार लड़के हैं। अच्छा। और नाती नाती वाती से भी लोग 10 लोग हैं। तो नाती पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं अभी? हाँ पढ़ तो रहे हैं सर, कहीं पे पढ़ रहे हैं। स्कूल अभी तो खैर स्कूल बंद है कोरोना के कारण, वैसे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ जुल्लो बहन, अभी तक आपको राशन नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। आज पात्रता पर्ची मिल गई? मिल गई सर। अब कितना राशन मिलेगा आपको पता है? आपको पता? मुझे आज मिल गया राशन 80 किलो गेहूँ है, 20 किलो चावल है, और 1 किलो चना है, और 1 किलो नमक है। हमने चावल गेहूँ मिला के 50 किलो, और 1 किलो चने चना होगा, और 1 किलो नमक होगा, तो इससे महीना भर का काम चल जाएगा अपना परिवार का? चल जाएगा। अच्छा खाना आप कैसे बनाती हो, कैसे पकाती हो? सिलेंडर से पकाते। सिलेंडर कौन ने दिया? मंत्री जी ने। सिलेंडर पहले से ही मिल गया था ना सिलेंडर तो आपको? नहीं मिल गया सर पहले से ही, तो सिलेंडर में खाना पका। सिलेंडर से पका। अच्छा रहने का आपका मकान कच्चा है कि पक्का है? नहीं नहीं सर पक्का है। कब बना? 2 साल है गई आवास में। कौन सी योजना में बना? अरे मिला सरकार से पैसा मिला ना आपको? ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जुल्लो बहन आपको मकान मिला है, और उस मकान में आप अच्छे से रह रही है। अब बच्चों को ठीक से पढ़ाना आप, पढ़ाएंगे सर, है ना? अभी आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुशी हो मैं सर। धन्यवाद जुल्लो बहन, आप और आपका परिवार प्रसन्न रहे, सुखी रहे, यही प्रार्थना है। धन्यवाद सर। सर हमारे जो अगले लाभार्थी हैं ये श्री लक्ष्मण मंडलोई जी हैं, ये बीपीएल कार्डधारी हैं, ये अंबोदिया ये उज्जैन के निवासी हैं। लक्ष्मण मंडलोई जी। लक्ष्मण जी राम राम। राम राम मामा जी, राम राम। क्या हाल है आप? ठीक हो? ठीक हूँ, लेकिन 13 के बाद से हालत खराब हो गई मेरी, एक्सीडेंट होने के कारण। अच्छा एक्सीडेंट हो गया था? अरे एक्सीडेंट कैसे हो गया था? बाइक से जा रहा था मैं, तो पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मार दी। विकलांग हो चुका हूँ फिलहाल। अच्छा अभी दिव्यांग है आप?
तो फिर काम कर पाते कि नहीं कर पाते? कुछ भी नहीं कर पाता सर, बेकार हो चुका हूँ, घर पे ही बैठा हूँ मैं अभी। तो घर का फिर काम कैसे चलता है, भोजन का और बाकी व्यवस्थाओं का? पत्नी मजदूरी करके फिर घर चलाती है। अच्छा अच्छा, चल बहुत तकलीफ दे बात है कि एक्सीडेंट हुआ। अब घर में? हाँ जी। घर में और कौन कौन है? दो लड़के हैं और एक लड़की है। मोहन जी साथ में बैठे हैं, जरा एक बार मोहन यादव जी ये देखिए, इनके इलाज की कोई अगर संभावनाएं हो तो डॉक्टरों से एक बार पूछताछ करके इनको दिखवा के अगर कोई बेहतर इलाज हो सकता है तो हम बेहतर इलाज करवाने की कोशिश करेंगे इनका। एक बार इनका चेकअप करा लीजिए। आपके घर में और कितने सदस्य हैं? पांच सदस्य। पांच। अभी तक जो आपकी श्रीमती जी जो मजदूरी करती थी उसी से पांचों का काम चल रहा था? वही घर चलाती थी ना श्रीमती जी? हाँ श्रीमती जी घर चलाती थी। अब राशन भी अभी तक नहीं मिलता था? राशन तो मुझे अभी तक मिला नहीं, बीपीएल कार्ड भी 19 में मिला मुझे और अब पात्रता पर्ची आज मिलने के कारण अभी से राशन मिलना चालू होगा। कितना राशन मिलेगा? 25 किलो। 25 किलो पांच लोगों के हिसाब से, लेकिन 25 किलो तो ये होगा और 3 महीने सितंबर तक प्रधानमंत्री जी वाला और 25-25 किलो मिलेगा, वो मुफ्त मिलेगा। हाँ वो जानकारी है ना? हाँ ये सर। अच्छा ये पात्रता पर्ची लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, परेशान तो नहीं किया किसी ने? अब कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक तो बहुत दिक्कत आई थी, बहुत परेशान हुआ मैं सर। माननीय बोलो आप बोलो, लड़के से बात कर लीजिए आप। हाँ बोलो बेटा। मैं इनका लड़का हाँ। सौरभ मंडलोई। क्या करते हो बेटा? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? सर 12th में। 12th में? इस साल एग्जाम हो गए 12th के या 12th में आए हो? नहीं सर 12th में आ गया हूँ अभी, अगले साल 12th की परीक्षा दोगे? हाँ। बोलो बेटा कुछ बोलना चाहते। सर वो आपकी योजना से बहुत लाभ मिला सर, और अब ये पात्रता पर्ची आ गई है तो बहुत सहायता मिलेगी। अच्छा अभी अभी और इसके अलावा? और संबल योजना के दौरान स्कूल की फीस भी माफ हुई है, छात्रवृत्ति भी मिल रही है। छात्रवृत्ति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आगे क्या बनना है तुम्हें पढ़ के? सर MBA बनना है। MBA करोगे या डॉक्टरी करोगे? सर अभी तो MBA का। चलो मेहनत से पढ़ो बेटा, और जो संभव सहयोग होगा हम सब लोग करेंगे। सरकार के मंत्री भी आपके साथ मोहन यादव बैठे हैं, उज्जैन से ही है, जो कुछ सहयोग हो सके बच्चे को करना है। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो बेटा। सर हमारे जो चौथे हितग्राही हैं ये इंदौर से श्री राधेश्याम लश्करी जी हैं, ये भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल कार्ड धारक हैं सर, और ये इंदौर में रहते हैं। श्री राधेश्याम जी नमस्कार। राधेश्याम जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हो आप? कैसे हो? अच्छा हूँ भाई साहब। काम धंधा क्या करते? हम्बाली करता हूँ। अच्छा तो हम्बाली में काम काज अभी कैसा चल रहा है? अब ठीक चलने लगा है भाई साहब। लॉकडाउन में नहीं चला? लॉकडाउन में तो बहुत स्थिति खराब थी। फिर कैसे टाइम कटा लॉकडाउन का, भोजन की और बाकी व्यवस्थाएं कैसे हुई? लॉकडाउन के अंदर आपने सर कंटोनों पे जो फ्री अनाज देने का बोला था वो अनाज मिला था सर। मिला, उसमें कोई कठिनाई तो नहीं आई थी? कोई कठिनाई नहीं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? पांच जन है। पांच जन। तो अभी तक ये राशन नहीं मिलता था पात्रता पर्ची वाला? पर्ची अब मिली है, राशन मिलना चालू हुआ आज से। कितने पांच सदस्य? कितने सदस्य आपके यहाँ? पांच सदस्य। अच्छा आपके यहाँ भी पांच। कितना राशन दे रहे हैं आपको? ये 25 किलो दे रहा है। 25 किलो राशन आपको प्रधानमंत्री जी की योजना है गरीब कल्याण अन्न योजना, उससे भी और 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज अलग से मिलेगा, ये अलग है और वो अलग है। अच्छा ये पात्रता पर्ची बनवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई नहीं, पैसा ऐसा तो नहीं मांगे कि इतने दे दो तब बनेगी? कोई दिक्कत नहीं। घुमाया फिराया तो नहीं?
नहीं नहीं कुछ भी नहीं करा। आराम से मिल गई? आराम से मिल गई। अरे और कोई सरकार की योजनाओं की मदद मिलती है आपको? हाँ मिलती है ना। कौन सी योजना? मेरे बच्चों के पढ़े, बच्चों की फीस माफ हुई, बिजली का बिल माफ हुआ, बच्चों को काफी किताब मिलती हैं, अभी लॉकडाउन के समय गेहूं मिला। अच्छा मामा से खुश हो कि नहीं हो? बहुत खुश है। चलिए आप भी खुश रहिए, सभी बहन भाई खुश रहे, आपको बधाई, आज से आपको भी राशन मिलना प्रारंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटी सी फिल्म है सर। अच्छा उसके बाद हाँ सर एक मिनट फिल्म के बाद जो हमने इसके लिए तैयार किया। अभी मध्य प्रदेश में एक रुपया किलो गेहूं या चावल, एक रुपया किलो नमक प्रदान किया जा रहा था, लेकिन तब भी शिकायतें आती थी। कई भाई बहन मुझसे कहते थे कि हम गरीब हैं लेकिन हमें राशन नहीं मिलता। हमने क्रांतिकारी फैसला किया कि जिन गरीबों को जो पात्र राशन नहीं मिलता उनको भी एक रुपया किलो गेहूं चावल नमक दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी रहे न खाली। प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान की भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर माह से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में ऐसे 37 लाख नए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा गया है जिन्हें पहले से उचित मूल्य राशन नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील निर्णय से अब उन्हें भी एक रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य और 1 किलो नमक प्रति परिवार उचित मूल्य राशन की पात्रता है। नए हितग्राहियों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। पहले मेरे पास राशन कार्ड नहीं था, मैं बाजार से महंगा सामान खरीदता था। मेरा राशन कार्ड और पात्रता पर्ची बन चुकी है। अब मुझे राशन दुकान से एक रुपया किलो गेहूँ, एक रुपया किलो चावल मिल रहा है। मेरा परिवार और मैं खुश हूँ। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत बड़ी आभारी हूँ और हम जैसे जो लोग हैं वो भी उनके आभारी हैं जो उन्होंने राशन बनवा के हम लोगों की सहायता की है। अब प्रदेश के इन जरूरतमंद भाई बहनों के चेहरों पर निश्चिंतता की मुस्कान है। ये हमारा संकल्प, जिन भाई और बहनों के नाम जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आई ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा और आप सबसे करतल ध्वनि की प्रार्थना। बोलिए भारत माता की। आज का कार्यक्रम उत्सव है और ये उत्सव केवल समन्वय भवन में नहीं मनाया जा रहा, ये उत्सव प्रदेश में 25,000 से ज्यादा स्थानों पर मनाया जा रहा है। इसलिए एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, मध्य प्रदेश की जनता की। मेरे साथ अन्न उत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के यशस्वी मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जिलों में कार्यक्रम में भाग ले रहे मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री साथीगण, हमारे सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, कमिश्नर भोपाल, आईजी भोपाल और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आज किसी न किसी रूप में शामिल मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का भी बड़ी खुशी का दिन है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। आज हमारे वो भाई और बहन जो वास्तव में थे तो गरीब और कई तो ऐसे थे जिनका बीपीएल कार्ड भी बना था लेकिन राशन नहीं मिलता था, पात्रता पर्ची उनके पास नहीं थी। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे आज बताते हुए खुशी है कि आज ऐसे 37 लाख परिवार जो हमने ढूंढ के निकाले हैं उनको आज से राशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आज का दिन आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता भरने वाला दिन है।
हमने ये योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2008 के बाद प्रारंभ की थी। 2013 में जब मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना था तब हमने तय किया था कि प्रदेश के सब गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक खाने दिया जाएगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने हमारे निर्णय की आलोचना भी की थी, कहिए तो बांटने का काम है, बांट रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आज मैं प्रदेश के करोड़ों भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, ये बांटने का काम नहीं है, ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। उनका अधिकार और हक हम अपने गरीब बहनों और भाइयों को दे रहे हैं। और ये सपना अकेला मेरा नहीं था, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जो गरीबों की सेवा को भगवान की पूजा मानते थे, डॉक्टर हेडगेवार जी जो कहते थे नर सेवा नारायण सेवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने जनसंघ बनाया था, उनके शब्द मुझे आज तक याद है। वो कहते थे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और वो कैसे मिलेगा तो वो कहते थे मुझे पता नहीं पूजन करने से वो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, आरती उतारने पे वो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मंदिर में जाएं तो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान दिखाई देगा। गरीब ही भगवान है, उसकी सेवा ही तो उसकी पूजा है, उसकी इबादत है। इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है, आज उन्हीं गरीबों की सेवा होनी है। और एक और सुखद प्रसंग जुड़ गया, कल हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, हम आज ही उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये गरीबों के मसीहा है, योगी प्रधानमंत्री है, भारत को भगवान का वरदान है, और एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो दिन अलग थे जब चीन का नाम सुन के हम घबरा जाते थे, आज का भारत शक्तिशाली भारत है। अगर चीन ने आंखें दिखाने की हिमाकत की तो हमारे सैनिकों ने उनकी गर्दन तोड़ के वापस उनकी सीमा में धकेल दिया। आज दुनिया की महाशक्ति है भारत, और गरीबों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत काम किए हैं। अभी पिछले दिनों ही फुटपाथ पे काम करने वालों के लिए अनेकों योजनाएं, योजनाओं की सौगात मोदी जी ने दी। 2.25 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में नए घर में गृह प्रवेश कराया, आज हम उनको भी बधाई देते हैं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, ये बांटना नहीं है, ये हक देना है। देखिए भगवान ने अगर ये दुनिया बनाई तो सबके लिए बनाई, बनाई कि नहीं बनाई सबके लिए, ये कुछ लोगों के लिए नहीं बनाई, ये दुनिया सबके लिए बनाई। और भगवान पक्षपाती नहीं है, वो समदर्शी है, सबको एक नजर से देखता है। उसने हवा बनाई तो सबके लिए, पानी बनाया तो सबके लिए, जमीन बनाई तो सबके लिए, जंगल लगे तो सबके लिए, खदाना है तो सबकी है, जितनी प्राकृतिक संपदा है, जल हो, जमीन हो, जंगल हो, सबके लिए है। भेदभाव भगवान ने नहीं किया, भेदभाव तो इंसानों ने किया। जो बुद्धिमान थे या जो ताकतवर थे उनने दुनिया के संसाधनों पर हक जमा लिया और वो अमीर होते चले गए, बाकी कई लोग गरीब रह गए, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती चली गई। और तब से दुनिया में यह विचार चला
कि कुछ अमीर रहे बाकी गरीब रहे, ये क्यों होना चाहिए। कई तरह की विचारधाराएं चली, सब बराबर होना चाहिए, इस तरह के भाव सब कई के लोगों के मन में आए। लेकिन बराबर हो तो कैसे हो। अब एक तरीका कुछ लोगों ने बताया कि जिनके पास ज्यादा उनका छीन लो, जिनके पास नहीं है वो। लेकिन ये तो वर्ग संघर्ष होगा, इससे दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन लोकतंत्र में हमने तरीका निकाला कि जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है और उनसे कई चीजें बना के जिनके पास धन का कूद भंडार है, उनसे हम टैक्स लेंगे और जो गरीब है खाली हाथ आया है उसको सस्ती चीजें बांट देंगे तो मामला बराबर हो जाएगा। और इसलिए अगर कोई सस्ती सुविधा देते हैं, ऐसा नहीं है, यह तो अधिकार है उसका, यह अधिकार उसको देने का काम कर रहे हैं। और इंसान को क्या चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, सुखी रहने के लिए कुछ चीजें तो जरूरी है, जिंदगी चलने के लिए, जीवन चलने के लिए, उन्हें तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, वो भगवान ने फ्री में दिए। ये अलग बात है कि उस हवाई को हम प्रदूषित करते जा रहे हैं और मानव जीवन के सामने संकट पैदा कर रहे हैं। लेकिन हवा निःशुल्क है, पानी भी निःशुल्क है। यह अलग है कि पाइपलाइन से भर के लेते आते हैं नर्मदा जी से तो पानी का टैक्स लग जाता है, लेकिन हवा चाहिए, पानी चाहिए। और तीसरी चीज अगर कोई चाहिए तो रोटी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी जरूरी है और रोटी की महिमा कई लोगों ने कविताओं में भी गाई है। तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, भाग के भाग को बीमार बना देती है। भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अलग अलग तरीकों से, कई तरह अलग अलग तरीकों से लोगों ने कहा रोटी जरूरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। इतना तो कम से कम हो कि हम भूखे ना रहें, इसलिए रोटी जरूरी है। इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन की जो बुनियादी जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और उसके लिए रोजगार का इंतजाम, ये हर गरीब को हर व्यक्ति को चाहिए। इसलिए जब हम सरकार चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो पहली चीज दिमाग में यही रहती है कैसे सबको रोटी मिले। हमने वो जमाने भी देखे जब दिन दिन भर मेहनत करते थे सवेरे से लेकर रात तक, तब अनाज के रूप में इतनी मजदूरी मिलती थी कि मुश्किल से पेट भर पाता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम नहीं होता था, फटे चीथड़ों में तन लटका रहता था। लेकिन एक के बाद एक योजनाएं बनी, उसी में से अन्नपूर्णा योजना निकली कि गरीब बहनों और भाइयों को नाम मात्र की राशि पर राशन उपलब्ध करवाया जाए। और ये योजना बनी मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, एक रुपया किलो गेहूं, एक रुपया किलो चावल, एक रुपया किलो नमक, केरोसिन 2 लीटर। और उतना राहत दी कि कम से कम हम रोटी के लिए अनाज की जुगाड़ नहीं करनी, और जो पैसा अनाज खरीदने में जाता था उससे कपड़े आ जाएंगे, लेकिन अकेली रोटी से भी काम नहीं चलता, मकान भी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना उन्होंने दी, हमने पहले मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनाई थी, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज कर दी। 60% पैसा प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 40% मध्यप्रदेश की सरकार बनाती है। और मेरे बहनों और भाइयों जिनके पास आज घर नहीं है, वो भी चिंता ना करें,
आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहने दिया जाएगा, सबके अपने पक्के मकान होंगे। एक घर अपना हो, यह बड़ा सपना होता है, वो सपना इस योजना के माध्यम से पूरा होगा। उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और घर में भी अकेला घर नहीं चाहिए, घर में रसोई घर भी हो, घर में शौचालय भी हो, लेकिन घर में उजाला भी हो। तो घर में बिजली का कनेक्शन देने की योजना प्रधानमंत्री जी की। फिर अभी मेरी बहन बता रही थी रोटी बनाने के लिए अब चूल्हा नहीं चाहिए, अब लकड़ी मिलती नहीं है और लकड़ी कहीं से ले भी आओ बेश्रम की तो आंखें खराब हो जाती चूल्हा फूंक फूंक के। और ये फिर उज्ज्वला रसोई गैस योजना आई कि घर में गैस का चूल्हा भी चाहिए, जो परिवार शेष रहे हैं उनको भी गैस चूल्हा मिलेगा, कोई बहन चूल्हे में आंख नहीं फोड़ेगी मध्य प्रदेश की धरती पर। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। और फिर पीने का साफ पानी चाहिए। मैं गांव गांव में सुनने वाली अपनी बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं, हमने योजना बनाई है भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें केवल हैंडपंप का पानी नहीं, कुएं का पानी नहीं, एक जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के नदी पे पाइपलाइन बिछा के घर में पाइप ला के नल लगा के टोंटी वाले नल हर घर में 3 साल में दे देंगे। टोंटी खोले तो झरझर पानी भरे और पीने के पानी के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। एक घर में जितनी चीजें चाहिए वो गरीब के होनी चाहिए, इसलिए उस दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ बच्चों की पढ़ाई भी चाहिए। मेरे भांजे भांजी उनमें प्रतिभा क्षमता बुद्धि अकल कम नहीं है, लेकिन पढ़ाई की सुविधा नहीं है, पास में पैसे नहीं है। तो बच्चे बुद्धिमान होने के बाद भी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। और इसे हमने संबल योजना बनाई थी, पिछली सरकार ने संबल भी ठंडे बस्ते में डाल दी थी, अब फिर से मैं चालू कर रहा हूं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी बेटे बेटियों को, मन लगा के पढ़ो, तुम्हारी प्राइमरी और मिडिल की शिक्षा की तो फीस लगती नहीं है, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में या और बड़े उच्च शिक्षण संस्थान में जाओगे तो अभी तुम्हारी पूरी फीस अब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। पढ़ाई तो चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, और फिर इलाज का इंतजाम भी चाहिए। आजकल कोरोना फैला हुआ है, मैं तो कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना और तब से कोरोना ही से लड़ रहा हूं। 9 बजे शपथ ली, 10 बजे वल्लभ भवन चला गया, तब तक दूसरी सरकार ने कोरोना के लिए कुछ करो ही ना था, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल टाई अप नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर पीपी किट टेस्टिंग की व्यवस्था तब कुछ भी नहीं थी। अभी महामारी दुनिया में फैल रही है, बाकी राज्यों में भी बढ़ रही है। अब पहले लॉकडाउन किया, लेकिन लाख कब तक रखते लोगों को, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, काम धंधे चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। तो अब तय किया कि लॉकडाउन से अनलॉक करो और बीमारी हो तो उसका इलाज का प्रबंध करो। समस्या बड़ी है, लगातार हम जूझ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे और इससे भी पार पाएंगे, लेकिन इलाज के लिए तो पैसे लगते हैं। कोरोना के इलाज की भी फ्री व्यवस्था की और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राज्य बीमारी सहायता कोष, और अब तो सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने बधाई, उस योजना के कारण निशुल्क बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। और ये बीमारी का इलाज अगर फ्री में हो जाए तो गरीब के जीवन में और राहत मिल जाए। उसके बाद है रोजगार की व्यवस्था, एक जटिल प्रश्न है, कठिन सवाल है,
लेकिन लगातार हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा कैसे लाखों की तादाद में बाहर से भी मजदूर आए, लेकिन मनरेगा के माध्यम से उसमें भी रोजगार दिलाने का प्रयास किया। अभी हमारे फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, कचौड़ी समोसे बनाने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कवाड़ी का काम करने वाले, छोटे मोटे सर पे रख के सामान बेचने वाले, उनको 10,000 रुपए तक का लोन बिना ब्याज का, जिसका ब्याज सरकार भरेगी और गारंटी भी सरकार लेगी, वो दिलाने का प्रयास हुआ। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती पर प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध हटा के सरकारी नौकरियों में भी रोजगार दिया जाएगा, उस दिशा में अब तेजी से हम कदम उठा रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी निवेश लाके कैसे रोजगार के अवसर बढ़े उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन पहली चीज रोटी, और इसलिए आज जिन बहनों और भाइयों की पात्रता पर्ची बनी है, 37 लाख में से 25 लाख, ये 12 लाख और बची है दादाजी, कि भाई सारे कलेक्टर सुन रहे होंगे, ये 12 लाख परिवारों से और संपर्क करना है और इनको भी पात्रता पर्ची बन के राशन मिल जाए। इनमें बीपीएल कार्ड धारक, एवाई कार्ड धारक, भवन अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के कार्ड धारक, मजदूर सुरक्षा कार्ड धारक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले, शहरी घरेलू कामकाजी, महिला कार्ड धारक बहने, बीड़ी बनाने वाले भाई बहन, विकलांगों, दिव्यांगों, मंदबुद्धि हो, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, हाथ ठेला धकाने वाले, फेरी लगाने वाले, हॉकर, वनाधिकार के पट्टा प्राप्त करने वाले, हम्माल और तुलावटी, केस शिल्पी मतलब बाल काटने वाले, चालक परिचालक, ड्राइवर कंडक्टर, बंद हो गई मिलों के मजदूर, भूमिहीन कोटवार, मछुआरे कार्ड धारक, रेलवे में पंजीकृत कुली, अनाथ आश्रम के निवासी, वृद्धाश्रम के निवासी। और जब मैं ग्वालियर गया तो ऑटो वाले आ गए, उन्होंने कहा मामा हमने क्या बिगाड़ा, रहे हमारे भी तो ऑटो माटो बंद हो गए, हम मुश्किल से दिन कट रहे। तो हमने 1.5 लाख से ज्यादा ऑटो चालकों के लिए भी 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला कर लिया है, ताकि उनके परिवार भी ढंग से चल सके, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, कोई भूखा नहीं रहे, कोई भी मजबूर नहीं, अपने हक के लिए भटके ये मुझे मंजूर नहीं, कोई भूखा ना रहे, कोई बेबस ना रहे, कोई मजबूर ना रहे, क्योंकि अन्न तो जरूरी है, अन्न ही ब्रह्म है, बिना इसके काम नहीं चलता। और इसलिए आज इस योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। गांव गांव में बैठे मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आपकी पात्रता पर्ची आपको मिल गई होगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड अगर नहीं कर पाए तो हमने पंचायतों के जो हमारे कर्मचारी है और शहरों में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के जो कर्मचारी है उनको निर्देशित किया है कि वो घर घर जाके पात्रता पर्ची बांटे, पात्रता पर्ची दे, ताकि हर गरीब भाई बहन अपना राशन ले सके। और एक और सुविधा है इसमें, प्रधानमंत्री जी ने योजना लॉन्च की वन नेशन वन राशन कार्ड। एक राशन कार्ड से अगर आप भोपाल में हो, कल आप चले जाते हो ग्वालियर या अहमदाबाद, तो वहां भी आपको राशन मिलेगा, आधार सीडिंग करवानी पड़ेगी, तो आप एक राशन कार्ड से कहीं भी राशन प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में से आसानी आएगी। मैं आप सबको बधाई देता हूं और सारे कलेक्टर्स ये ध्यान रखेंगे कि ये राशन ढंग से गरीबों को मिल जाए। इसमें अगर किसी ने गड़बड़ की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा, सीधे जेल के सलाखों के पीछे होगा। अभी इंदौर जिले के महू में एक को गिरफ्तार करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में भेजा है, एक को झाबुआ में पकड़ा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, ये जहां मौका मिलता है वहीं खाने लगते हैं।
अगर जनता के राशन में गड़बड़ें की तो गड़बड़ करने वाले तो पकड़े ही जाएंगे, अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर कि एक एक दाना गरीब के घर ठीक से पहुंचे। इसकी व्यवस्था करनी है, इसका इंतजाम करना है। गरीबों के जो दुश्मन हैं, उनका हक और अधिकार छीनने वाले, उनको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैं अपने सारे 37 लाख बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं। आपकी जिंदगी में आज का दिन आनंद का और प्रसन्नता का है, उत्सव का है। अब लगातार आपको राशन मिलेगा, समाज की बाकी योजनाओं का लाभ मिले, इसकी भी आप कोशिश कीजिए। और महज ये कार्यक्रम नहीं है, हमारे एक संकल्प और है, 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, एक नया मध्य प्रदेश नए इंडिया के लिए वो बनाने की कोशिश है ये। और जब भी लगातार 7 दिन तक कार्यक्रम होंगे, आज राशन का कार्यक्रम है, कल आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को दूध प्रदाय किया जाएगा, कल से उसका शुभारंभ में लाडली लक्ष्मी योजना के चेक बांटे जाएंगे, उसके बाद किसानों के खाते में पैसा डालने का कार्यक्रम, अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम जनता की जिंदगी बदलेंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि आप हमेशा गरीब रहें, काम धंधा करके बच्चे पढ़ लिख के एक सुखी जीवन व्यतीत करें, उसका भी रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसका निर्माण हमारा संकल्प है और उसकी शुरुआत आज इस अन्न उत्सव के साथ प्रारंभ हो रही है। और जिनको आज ये लाभ मिल रहा है उनको मैं एक बार फिर बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और बाकी योजनाओं का भी लाभ मिले ये अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज हमारे बीच, हमारे सामने जो हितग्राही हैं, वो हम आज इस अन्नपूर्णा योजना में जुड़ रहे हैं। इनमें से हमने सर 6 हितग्राही चयनित किए हैं, जिनको हम टोकन स्वरूप उनकी पात्रता पर्ची और राशन प्रदाय करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खाद्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके उनको प्रदाय करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती बबिता जी को। श्रीमती बबिता जी, ये पात्रता पर्ची का एक स्वरूप है जो उसी का थोड़ा है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सीमा को, जो बीपीएल कैटेगरी में है। श्रीमती सीमा, श्रीमती शोभा ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करती हैं। नीचे चलेगा, लगा दें। श्रीमती शोभा,
मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुनीता मौर्य जी को, जो गरीबी रेखा के नीचे, श्रीमती सुनीता मौर्य जी। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती बदामी देवी जी को, ये भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं, श्रीमती बदामी देवी जी। और अंत में श्रीमती वंदना देवी जी, आप भी बीपीएल कैटेगरी में हैं और आपको सुनने में शायद। धन्यवाद सर। और अंत में मैं आभार प्रदर्शन के लिए अपने सहयोगी संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग श्री तरुण पिथोड़े जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खाद्य मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव, आदरणीय आयुक्त, आदरणीय महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं डीआईजी भोपाल, मेरे सभी साथी शासकीय सेवक गण, मीडिया के सभी साथीगण एवं सभी उपस्थित हितग्राही साथियों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे गौरवान्वित करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं खाद्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। हम आदरणीय प्रमुख सचिव को आज के कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा आदरणीय आयुक्त एवं आदरणीय महानिरीक्षक को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर भोपाल, जिला प्रशासन, उनकी समस्त टीम को भी धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित सभी हितग्राही, नागरिक बंधुओं, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी साथियों एवं मीडिया के साथियों को हम उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं।